ये सबसे बड़ा जो इसमें समीकरण था ना, जो अब व्यूअर्स को पता चलेगा वो ये है कि ये सिर्फ टीम्स के हाथ में नहीं है कि इसको रोकना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि मैं जुवेंद्र चहल को रोक लूं, लेकिन अगर चहल कुछ और पहल करना चाहते हैं तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने कहा, भैया मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऑक्शन में जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है जो आप 7 करोड़ मुझे दे रहे हैं ना, उससे मुझे ज्यादा मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है मिलेंगे। तो फिर ये जाएंगे ऑक्शन में, केएल राहुल भी जाएंगे ऑक्शन में। अब इन दोनों को रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो किस वजह से? क्योंकि रिटेंशन एक एक चिड़िया है, जो दूसरी चिड़िया है ना जिसका नाम है राइट टू मैच, उसमें चुपचाप बैठेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और बाकी लोग लड़ाई करेंगे। कुछ इसलिए लड़ेंगे क्योंकि वो उनको चाहते हैं, कुछ इसलिए लड़ेंगे क्योंकि वो उनके पैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर वो इतने पैसे बढ़ा देंगे कि जब पता चलेगा कि चाहल को अगर आप चाहते हैं तो 11 करोड़ लगेंगे, तो क्या आप 11 करोड़ खर्च करना चाहेंगे? अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई और ले जाएगा चहल को। तो फिर अब डायनामिक्स जो है बदल चुकी हैं, जिनको आपने अभी रोक लिया रोक लिया, क्या आप उन खिलाड़ियों को जिनको आप रोकना चाहते हैं आरटीएम में, भाई वो अब आपके हाथ में नहीं है, वो चिड़िया अब उड़ गई है, पकड़ने की कोशिश कीजिए दोनों हाथों से।